हाँ भाई, नाश्ता हो तो शंकर भाई का, चम्मच लगाने से पहले टेस्टी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कोका बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। ओके सो गाइस, आज हमें एक पार्सल है, मुझे एक मेंस लैब करके एक कंपनी है, उन लोग से मुझे एक पार्सल आया है, छोटा सा देखते हैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सोचा कि मैं कैमरे के सामने ओपन करूं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। कैसा हार्डू में समझ में नहीं आ रहा है, पैकिंग जैसा खतरनाक किया था, कैसा खोलने का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, फाड़ते कैसे भी। इतनी मजबूत पैकिंग में पहली बार देखा कोई कंपनी इतने मजबूत पैकिंग की। एटलास्ट खुल गया होगा, एटलास्ट खुल गया। ओ बियर्ड ऑयल, ये देखो पूरा कचरा है। तो ये है बियर्ड ऑयल जो कंपनी ने मुझे भेजा है, मेंस लैब की तरफ से मुझे बियर्ड ऑयल आया है। कितनी मस्त बॉटल यार, मतलब बहुत सारे में बियर्ड ऑयल देखा, उन लोगों की मतलब जो बॉटल रहती है वो बहुत छोटी रहती है और प्लास्टिक की रहती है, तो ये लोग ने बोतल देखो ना कांच का बनाया है, बहुत मस्त तरीके का बोतल बनाया उन्होंने, बियर्ड ऑयल मेंस लैब। इसकी कॉस्ट 549 है, ये लोग ने मुझे ऐसे जस्ट फ्री में भेजा है, मैं कुछ इसका पैसा वगैरह पे नहीं किया, तो मैंने तो कभी ये बियर्ड ऑयल यूज नहीं किया, तो देखेंगे कैसा। मुझे तो बियर्ड आती नहीं एक्चुअली, कैसी बियर्ड आती मुझे, तो देखते हैं ट्राई करेंगे अपन यूज करेंगे कैसा है कैसा नहीं है, कुछ इफेक्ट करता है कि नहीं। स्मेल काफी अच्छी है। तो अगर तुम लोगों को भी ये बाय करना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बियर्ड ऑयल की, तो तुम लोग जाके वहां से खरीद सकते हो। ये बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मतलब कैसे किस तरीके से तुम लोगों को ये बियर्ड ऑयल अप्लाई करना है, इसके ऊपर आप देख सकते हो स्टॉप करके वीडियो। ये यहाँ पे बियर्ड ऑयल का ब्रांडिंग है एंड ये मेंस लैब का ब्रांडिंग, इसको बाद में अपन अप्लाई करेंगे। अभी तुम लोग बोलते होगे कि मेरे को कि मैं ऐसे चोर लोग की तरह क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि घर में सब लोग सोए हैं। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:10 पर मैं घर से बाहर निकला हूँ, सब लोग सो रहे हैं इसलिए मैं चुपचाप मतलब चाबी लेके निकला बाहर। मेरे को मुझे नींद ही नहीं रहती है रात में, पता नहीं क्यों नींद नहीं लग रही थी, कितना मैंने सोने की कोशिश किया तभी मुझे नींद ही नहीं लग रही थी। मेरे को भूख भी ज़्यादा लग गई थी, सोचा कि जाता हूँ अंधेरी में वहाँ पे एक अच्छा नाश्ता मिलता है, तो थोड़ा घूमेंगे, थोड़ी अच्छी हवा भी रहेगी अभी मॉर्निंग में, तो चलो चलते हैं अंधेरी स्टेशन पे, देखते हैं क्या देखने मिलता है। मॉर्निंग के 5 बजे और बहुत ज़्यादा ठंडी है मॉर्निंग में, दिन में तो इतना ठंडी का मतलब ठंडी का मौसम है पर इतना ठंडी फील होती नहीं, मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो चलो ठंडी का थोड़ा मज़ा उठाएंगे आज, बहुत दिनों बाद मतलब इतने मॉर्निंग में जल्दी उठाओ, चलो चलते हैं और थोड़ा ठंडी का मज़ा उठाते हैं। शायद मुझे प्रॉपर मोटोलॉगी का सेटअप लेना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़रूरत पड़ती है यार, बिकॉज खाली लॉट में कुछ शूट नहीं कर सकते, सो इसलिए मोटोलॉगी का सेटअप जल्दी खरीदेंगे। लिटरली ठंडी फील हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर एंड लिटरली मुझे ठंडी फील हो रही है, और मज़ा आ रही है मोटोलॉग करना और वीडियो बनाने बहुत मज़ा आ रही है। आई होप कुछ एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो, तो ऐसा होता है कि रोज़ मॉर्निंग में उठना चाहिए 5 बजे, मैं बता नहीं सकता अगर साथ में कोई तो चाहिए था, बाकी मैं पीछे बैठ के अच्छे से वीडियो शूट करूँ तो इतने मॉर्निंग में 5 बजे तो मेरा कोई दोस्त उठेगा नहीं, सब लोग साले आलसी लोग हैं और इतने जल्दी तो कोई उठेगा नहीं, तो
तो चलो भाई अकेले मजा उठाते हैं, मजा आ रही है आग से पानी आने लगा ठंडी से। जाएंगे थोड़ा मस्त गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे अंधेरी में और थोड़ा बहुत घूमेंगे यही किधर, थोड़ा बहुत शूट भी करेंगे अंधेरी स्टेशन पे। चलो यार मजा आएगी। हाँ भाई नाश्ता हो तो शंकर भाई का चम्मच लगाने से पहले टेस्टी, क्योंकि एक नंबर नाश्ता है दोस्त, एक नंबर नाश्ता हो तो शंकर भाई का सीधा उपमा पोहा साबूदाना खिचड़ी, हर नाश्ता एक नंबर का दोस्त, जितना चम्मच लगाएंगे उतना टेस्ट बढ़ेगा दोस्त, क्योंकि ये शंकर भाई जैसा नाश्ता अंधेरे में कहीं नहीं मिलता दोस्त, एक नंबर का नाश्ता शंकर भाई का स्पेशल नाश्ता सर, हंसते रहो इसी के नाम जिंदगी है सर। I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Sangkar bhai ka nashta chamach lagane se pehle taste. Raja nashta do. ओके सो अंधेरी घूमने का हम लोग आ गए जुहू, तो देखेंगे अभी जुहू में क्या चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे मज़ा आएगी, बहुत सारे लोग जॉगिंग करते रहेंगे, थोड़ा कुछ हैपनिंग रहेगा जुहू पे आई गेस, तो थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट ले लेंगे, चलो सैंड में मस्ती करेंगे थोड़ी। इतने सारे कबूतर, बेचारे कबूतर यहाँ पे चना खा रहे, और जितने भी कुत्ते बीच पे आ रहे सब कबूतरों पे अटैक कर रहे, मतलब कोई कबूतर को खाने नहीं दे रहे, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे कबूतर लोग खा रहे थे, और यहाँ पे अभी कोई कबूतर आ रहा नहीं, सब कबूतर डर रहे, मेरे को भी डर लग रहा है यार, तो ऊपर मेरे सब कुत्ते लोग जा जाके उन लोगों को, मतलब अभी लिटरली एक कुत्ता आया था उसने एक कबूतर को मुँह में पकड़ लिया, वैसे झटके लेके कबूतर छूट गया थैंक गॉड, तो कबूतर को मारता था कुत्ता। फाइडी कैमरा, एलईडी लाइट, फ्लैश चार्जर, गॉड डिफ्यूजर एंड सेल चार्जर, बैटरी बेल्ट 50 mm, एंड दिस इज माय लेंस। एंड ये पोर्टल लाइट, इसे सब हम लोग लेके जाएंगे। चाचा ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब झूला तो सजाया है, और बेबी के रखने के लिए झूला जो रखते हैं उसको सजाना पड़ता है, उसके बिना अच्छा मजा नहीं आएगी, तो चाचा झूला सजा रहे हैं, तो देखो यार एंजॉय करो वीडियो।
के साथ जो भी शूट है, आई मीन नेमिंग सेरेमनी शूट है आज मेरा, मेरे सीजन का पहला शूट है। मैं शूट कर रहा हूँ फाइटी मार्क 3 से, फाइटी मार्क 3 के साथ मैं 24x105 लेंस यूज़ कर रहा हूँ। मैं आप देख सकते हो 24x105 एंड मैं डिजिटेक का मेरा फेवरेट फ्लैश है, वो डिजिटेक का फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ। एंड थोड़े बहुत पोर्ट्रेट्स के लिए बेबी, मतलब पोर्ट्रेट्स के लिए मैं 50mm यूज़ करूँगा, जो मैंने लिया था यमनों का 50mm लेंस, यमनों का 50mm लेंस यूज़ करूँगा। तो बस काफ़ी यार, मतलब इतना ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े लेंस की, तो इससे ही शूट होगा। तो चलो शूट की शुरुआत करते हैं, थोड़े बहुत लोगों को मतलब बैकड्रॉप के वगैरह हॉल का कैसा है, किस तरह का है उन लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो हमारे चचा है वो झूले को सजा रहे, मतलब ये झूले को मतलब सजाने के लिए तुझे खर्चा कितना आता है? तो पब्लिक के ऊपर है, चक्कर आता है, मजा आता है। तो भी 2,000 3,000 5,000 इतना सजाए, मैं उतना पैसा लगेगा उतना डालेगा, फूल के ऊपर डिपेंड है। ओके, कितना फूल लगाने का अपने को, 1,000 का लगाने का 2,000 का लगाने का। शादी का शेरे भी तो बनाता हूँ, गाड़ी सजाता हूँ, ऑलरेडी सब फूल का ही काम करता हूँ। ओके ओके,